मैडम कंट, आप मुझे देख रहे हैं गिबोन एजुकेशन एंटर में, ठीक है। आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हिंदी में बोलते हैं उसको अनुपात और समानुपात, ठीक है। इससे पहले मैंने अलजेब्रा का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, अलजेब्रा के मैंने दो क्लासेस लिए हैं, तो वो मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को जल्द से जल्द ट्रिक लगा के हम सॉल्व कर सकें, जिसमें हम कम से कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3 तथा बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, हमसे कोशिश करेंगे दोस्तों कि हमारा इस संख्या का, इस साइड से जो संख्या रहता है उसे, पहला संख्या रहता है उसे इन दोनों से गुना करना है, और सेकंड वाला संख्या रहता है उसे लास्ट वाला संख्या से गुना करना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, अनुपात 3:4:5, ठीक है। पहले इन दोनों को गुना करेंगे, फिर इन दोनों को, और फिर लास्ट में इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। आइए गुना करते हैं, 2:3:4:5, ठीक है। 4×8, 4×3=12, 5×3=15, यानी कि हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम कोशिश करें कि इसका, ये तो हम एक बेसिक रूल से सारा मेथड बताए, ठीक है। क्या हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर में हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े? जरूर कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को 4×8, 4×3=12 और 5×3=15। क्या दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं आएगा? एकदम बिल्कुल आएगा दोस्तों, और एग्जामिनेशन सेंटर में हमें ऐसे ही करना है, कम से कम पेन का यूज करना है दोस्तों, जिससे हमारा टाइम बच सके, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3 तथा बी अनुपात सी इज इक्वल टू 5:7 है, तो सी का मान क्या होगा, ठीक है। दोस्तों हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सी इज इक्वल टू, मैंने कहा था दोस्तों लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना करने में सी आता है, यानी कि 3×7, 3×7=21 हमारा आंसर। क्या दोस्तों टाइम बचा? बिल्कुल बचा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। कभी कभी दोस्तों ए बी सी के अलावा भी हमें आता है, डी तक आता है कि हमें डी कैसे निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 1:2:3 तथा
सी अनुपात डी इज इक्वल टू 4:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमारा क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसे कैसे लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 4 गुना हम इसके साथ करेंगे, फिर 4 गुना इसके साथ, फिर 4 गुना इसके साथ गुना करेंगे, और जो लास्ट वाला संख्या बचता है दोस्तों उसका गुना हम इसके साथ करते हैं। ठीक है, 1:4 अनुपात 2:4 अनुपात 3:4 अनुपात 3:5। ठीक है, 4 × 4 अनुपात 4 × 8 4 × 12 5 × 15 हमारा ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ये डी हमारा ये आंसर। ठीक है, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ए इंटू 3 बराबर बी इंटू 5 है तो ए अनुपात बी क्या होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है ए इंटू 3 बराबर बी इंटू 5 है तो ए अनुपात बी क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, कैसे हम बनाते हैं हम देखते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों ये हमारा इज इक्वल टू में है तो बी के इज इक्वल टू के बाद जो संख्या रहता है वो बी का अनुपात में होता है, और इस साइड का संख्या हमारा ए के अपोजिट में जो संख्या रहता है वो ए का अनुपात होता है। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए अनुपात बी होगा हमारा 5:3। ठीक है, यहाँ ए का अपोजिट 5 है और बी का अपोजिट 3 है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, दोस्तों ये तो हुआ हमारा एक ट्रिक, हम देखते हैं इसके बेसिक रूप से कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, ए इंटू 3 बराबर बी इंटू 5 है। ठीक है, ये बी को हम इसके नीचे लाएंगे, ये 5 यहीं पे है दोस्तों, ये 3 को इस 5 के नीचे लाएंगे तो हमारा आ गया दोस्तों ए अनुपात बी इज इक्वल टू 5:3। ये हमारा आंसर क्या दोस्तों, ये हमारा और मैंने जो ट्रिक बताया वो दोनों का आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इंटू ए इज इक्वल टू 1/6 इंटू बी है तो ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तभी हमारा इंटू में था, अभी हमारा बाई में है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1/4 बराबर 1/6 इंटू बी, दोस्तों क्या हमारा ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है दोस्तों। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 × 4। ठीक है, ए 2 × 3 = 6 ये बी। ठीक है, अब दोस्तों हम यहां देखते हैं
ठीक है कि जो ए के नीचे रहता है वही उसका अनुपात रहता है, जो बी के नीचे रहता है, बट्टा के नीचे रहता है वही उसका अनुपात रहता है, ठीक है। यानी कि इसका हम देख सकते हैं ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3 हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं इसको कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 6। ए का 20% बराबर है बी का 30%, तो ए अनुपात बी क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन बोलता है ए का 20%, ये परसेंट है दोस्तों, ए का 20% बराबर बी का 30% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा, ठीक है। आइए हम इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। का मतलब होता है गुना दोस्तों, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100, ठीक है, बराबर में बी इंटू का मतलब इंटू होता है दोस्तों 30 का बट्टा में 100। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के बराबर में, तो क्या ये इसे हम काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं दोस्तों। क्या हम इस जीरो को और इस जीरो को काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं दोस्तों। इंटू में 2, बी इंटू में 3, बी के ऑपोजिट में क्या है दोस्तों 2 और ए के ऑपोजिट में क्या है 3, तो हमने डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:2 हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करें कि हमें पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े। आइए देखते हैं दोस्तों, दोस्तों हम इसे क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बिना पेन उठाए, ठीक है। क्या दोस्तों बीच में बराबर है, हाँ है, इधर परसेंटेज है, इधर परसेंटेज है, इधर जीरो है, इधर जीरो है, ठीक है। हम काट सकते हैं बराबर के इस साइड वाला परसेंटेज को और इस साइड वाला परसेंटेज को हम डायरेक्ट काट दिए, इस साइड वाले जीरो और इस साइड वाले जीरो को हम डायरेक्ट काट दिए। अब दोस्तों बी के ऑपोजिट में क्या संख्या बचा 2, ए के ऑपोजिट में क्या संख्या बचा दोस्तों 3, तो हम ए अनुपात बी डायरेक्ट लिखेंगे, अनुपात डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों हम लोग 3:2 हमारा आंसर। क्या दोस्तों हमारा टाइम का बचत हुआ, एकदम हुआ दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन बोलता है दोस्तों यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का 1/3 तथा मोहन की आय का 1/4 आपस में बराबर हो तो उनकी आय का अनुपात क्या होगा, ठीक है दोस्तों। हम राम को आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, श्याम को एस से और मोहन को एम से डिनोट करेंगे दोस्तों, ठीक है। बोलता है राम की आय का आधा इंटू ये, ठीक है, श्याम 1/3, ठीक है, बराबर मोहन की आय का 1/4 आपस में बराबर हो, ठीक है दोस्तों। बोलता है कि ये तीनों का आय आपस में बराबर है, लेकिन आय हमेशा किसके बराबर होता है दोस्तों, आय तो हमेशा एक ही होगा, ठीक है, सब बराबर है यानी कि एक होगा उसका, ठीक है, तीनों का आय हमारा एक के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। इसे हम सॉल्व करते हैं, आर इज इक्वल टू इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1।